अगर आप पैसे बचाने यानी सेविंग्स के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं तो इस महिला की ट्रिक आपके काम आ सकती है। इस महिला ने अपने अनोखे तरीकों से करोड़ों रुपए की सेविंग्स का दावा किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है इस महिला का सेविंग प्लान। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाली केटी टी ने अपने रिटायरमेंट प्लान का खुलासा किया है। उनका कहना है कि वह 29 साल की उम्र में $1,000,000 यानी कि करीब 7,34,00,000 रुपए की सेविंग के बाद 35 साल की उम्र तक रिटायर होने के लिए तैयार है। केटी ने अपनी सेविंग्स को लेकर दिलचस्प टिप्स दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर उन्होंने करोड़ों रुपए की बचत की है। केटी ने उन तरकीबों का खुलासा करते हुए कहा है कि उसे इसके जरिए $1,000,000 की बचत करने में मदद मिली है। द सन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 29 साल की केटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर मिलेनियल मनी हनी नाम से अकाउंट है, जहां उसने 35 साल की उम्र में रिटायर होने की अपनी योजना का खुलासा किया है। केटी कहती है कि एक संस्था से जुड़ने के बाद उसने अपने खर्च का रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। संस्था फिजूल खर्चे रोकने और बचत व निवेश करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। केटी ने रिकॉर्ड तैयार किया कि वह कितना खर्च कर रही थी और उनकी मंथली इनकम कितनी है। ये जानने के बाद केटी ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया। इसके लिए उसने 5 क्षेत्र चुने जिसमें उसने कटौती करने की ठानी। केटी ने गैर जरूरी खर्च में कटौती का पहला चरण रोजमर्रा की चीजों से शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसने बालों को कलर करना, मेकअप, जिम, कपड़े खरीदना, बजट सैलून का विकल्प चुनना और पार्टी आदि पर पाबंदी लगाकर शुरुआत में ही $100 की बचत कर ली। केटी ने करीब 1 साल सिर्फ अपने रोजमर्रा के खर्चों का भुगतान किया और कुछ भी नहीं खरीदा। उसने टिकटॉक पर खुलासा किया, साल में मैंने कोई नया कपड़ा या घरेलू सामान नहीं खरीदा, सिर्फ जरूरी चीजों को ही खरीदा। केटी पहले एक विज्ञापन एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करती थी, लेकिन उसने कहीं और इस तरीके से काम की तलाश कर अपनी आय बढ़ाने का फैसला किया। वे एक टेक कंपनी से जुड़ी और एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ किया। वह जो पैसे कमाती उसकी सेविंग्स के 3 तरीके अपनाती, रिटायरमेंट अकाउंट, हेल्थ सेविंग्स अकाउंट और पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में उन्हें डालती। केटी ने किराए का मकान छोड़ दिया। महामारी के बावजूद वो अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर आ गई। इसकी वजह से वो अपनी इनकम का बहुत अधिक हिस्सा बचाने में सक्षम हो गए, क्योंकि उसके पास खर्च कम हो गया था। हालांकि बचत करने का मतलब ये नहीं था कि आप जीवन का आनंद भी नहीं ले सकते। जब केटी अपनी मंथली इनकम का 80% बचाने के लिए कटौती करना चुनती है तो वो अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों का बजट नहीं बनाती। वह हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि वह अपने मासिक खर्चों को कवर करे। वह बाहर जाकर दोस्तों के साथ डिनर और ड्रिंक का आनंद लेती है और समय समय पर छुट्टी के लिए भी जाती है। केटी के मुताबिक अपने निवेश के माध्यम से उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 2,93,00,000 रुपए तक बढ़ा ली है।